ओम शांति। आज 11 सितंबर 2024 बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर्स सुधारने। तुम्हें अभी दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर है, क्योंकि नजर से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं। आंखें बंद होंगी तो सुस्ती आएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो, यह सोर्स ऑफ इनकम है। लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। कमाई में सुस्ती उदासी नहीं आ सकती। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। दूसरा, आत्मा रूपी बैटरी को सत्प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। दैवी कैरेक्टर्स धारण करने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है, त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में आती है। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। स्लोगन है, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। ओम।